यूपी के रामपुर में आज दर्जनों मुस्लिम महिलाएं अपने आशियाने बचाने को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना के आवास पर रोती बिलखती पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, हमारे मकान से हमें मत निकालो, हम गरीब और असहाय हैं, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता ने जेल की उस जमीन की शिकायत की थी जहां फांसी घर बना था। वहां आजम खान के परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें रामपुर पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ थाना गंज में मुकदमा दर्ज किया था। उसी को लेकर आज गरीब महिलाएं भाजपा नेता के आवास पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। इस बीच भाजपा नेता ने इन सभी महिलाओं को उन्हें मकान वापस दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके मकान नहीं छीने जाएंगे, इस मामले में प्रशासन से वार्ता कर कोई हल निकाला जाएगा। बताइए, वालिद का नाम चंदामिया है, वो मिलिट्री में थे। जब वो रिटायर हुए तो उनको सरकार की तरफ से जमीन मिली थी, अब से 60 साल पहले, जब से जमीन हमारे पास चली आ रही है। तो आपको ये नहीं पता था ये जमीन जो है जेल की जमीन है? सरकार ने आपके पिताजी के नाम पर अलॉट, पिताजी के नाम पर अलॉट करे। जी जी। और क्या कहा था आपके पिताजी से? हाँ? कहा था इसका नाच दाना जेल में भी जाएगा? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई नहीं। ये बताइए कि जब आपके पिताजी को अलॉट हुई तो आपको ये अधिकार था कि उस जमीन को बेच सकते हैं आप? उनके विधायक के मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में, मैं तो 4 साल का था, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद में फिर हमने पूरी जिंदगी जो थी उस जमीन में गुजार दी। नाम मोहम्मद कामिल है और उन्होंने आकाश भैया ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हमारी जमीन हमारे नाम पर अलर्ट होगी। उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, उससे हमारी जमीन हमारे नाम पर अलर्ट हो जाएगी। आप इन लोगों ने किनसे खरीदी थी वो जमीन? इन्होंने खरीदी थी खुर्शीद मियाँ से। अच्छा, खुर्शीद जी, खुर्शीद मियाँ मौजूद है, यही है मौजूद हमारे। उन्होंने सारे आश्वासन दे दिया, आश्वासन ये दिया सभी लोगों को कि उनकी जमीन जो है हमारे पास, जो है हमारी जमीन, वो हमारे नाम पर अलर्ट होगी। क्या जेल की जमीन पर वो बना हुआ था? ना ना, जेल की जमीन पर, जेल का जमीन से कोई मकसद नहीं उसका, हमें नहीं पता। हम ना दोष है, हमें तो पता नहीं, हम इसकी 4 चुगली से जमीन बेचेंगे। आकाश जी ने तो खुद आश्वासन दिया है आपको? 5-6-7 महीना हमारा शोहर का इंतकाल हो गया है, हम कहाँ जाएंगे? आकाश जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या है जगह में? हमारी जगह जो जा रही है कि खुर्शीद मियाँ से जो ली है कि गया, ये जेल की है कि न्यू टूट रही है तो न्यू जा रही है, तो हम इस मारे आएंगे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया आपको? हम ये चाहते हैं हमारी जगह है, यहीं रहे, हमारी कहीं नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, ही मरेंगे, हम ही जिएंगे। हाँ बस बस। तो आकाश भैया ने क्या आश्वासन दिया आपको? आपने हमें, उन्होंने सहारा दिया है हमें। उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि हम दो, हमने वो लिए फैसले, मतलब या तो ये तुम्हें जगह दिलवाएंगे या तुम्हें कहीं और देंगे। जो फांसी घर पे जमीन पे कब्जे वाला जो मामला चल रहा है, जो आजम के द्वारा जो वहाँ पर जिस तरीके से उस जमीनों पे कब्जे किए गए थे, उसमें लगभग 60-70 जो घर हैं उसी के लोग आज मेरे से मिलने आए थे, जिसमें महिलाएं भी थीं। उन लोगों की ये मांग थी कि हमारा आजम से कोई मतलब नहीं है, और वो ज़मीनें जो जिस तरीके से हमें दी गई थी, तो उस चीज़ की जानकारी शायद उनको नहीं थी कि वो जेल की भूमि है। तो इन सभी लोगों को देखते हुए मैंने शासन में मैंने बात की है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको या तो वो ज़मीन जिसके अभी वर्तमान में जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं उनको आवंटित कर दी जाए, और या इसके अलावा अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि RDA से उनको कम से कम एक एक घर की व्यवस्था पूरी करा दी जाए। जिलाधिकारी महोदय से मैंने ये बात की है और वो भी बहुत जल्द ऐसा एक प्रस्ताव बना के भेजेंगे, और मुझे लगता है शासन इस तरीके का ये प्रस्ताव मंजूर करेगा, और हम भी चाहते हैं कि गरीबों का वहाँ कोई किसी तरीके का नुकसान ना हो। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।